अलीगढ़ से हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका भाई। सर, एक 17 साल की लड़की है, उसके पेट में दर्द हुआ, 2-3 दिन पहले दवा दिलवाई, तो उसके बाद जो है फिर तीसरे दिन बंद नहीं हुआ, जहाँ दर्द हुआ था अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में पित्ते पे सूजन आई है सर। हाँ देखिए, डॉक्टर्स की दवाएं भी लें और मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। सौंफ आप जानते हैं, सौंफ का को उबाल कर उसका बहुत सारा पानी छान कर बोतलों में भर लें। सौंफ को उबाल कर उसका बहुत सारा पानी उबाल कर छान कर बोतलों में भर लें। और एक आता है नमक जैतून, एक गिलास सौंफ का पानी पिए, उसमें उस पानी में 2 चुटकी नमक जैतून डालें और पी जाएं। ऐसे पूरे दिन में 3 गिलास पानी पीने हैं। नमक जैतून असली लें, सौंफ का पानी घर पर उबाल कर उसका पानी निकाल लें और ये रोज़ाना देना शुरू करें। अपने डॉक्टर की दवाएं भी उनको दे सकते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी, आप रिन जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी सर, हमें ये जानना था, जैसे B12 की कमी हो जाती है तो उसमें उसका यूनानी में क्या नुस्खा है और क्या दवाएं लेनी चाहिए, और क्या मतलब खाने में ऐसी क्या चीज खानी चाहिए जिससे B12 की कमी पूरी हो जाए। एलोपैथ में तो है, यूनानी में हमें जानना था उसमें क्या नुस्खा है B12 की कमी में, बस मेरा इतना ही सवाल है। एलोपैथ में तो मल्टी विटामिन्स जिसमें B12 भी शामिल होता है, कैप्सूल या गोलियां मिलती हैं, वो भी इस्तेमाल किया करें और फल खाया करें। फल खाएं, अनानास खाएं अगर खा सकते हैं तो, और चुकंदर खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, केला खाएं और फिश के कैप्सूल खाएं, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, बात करना चाहूँगी पैरालाइज पेशेंट के बारे में। अगर किसी को पैरालाइज अटैक हुआ है और हाथ और पैरों में मूवमेंट है तो क्या वो ठीक हो सकता है, और क्या पैरालाइज का एक बेहतरीन इलाज यूनानी में मुकम्मल है? बहुत अच्छा सवाल आपने जी किया है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी रहनुमाई करने से लोगों को बहुत फायदा होता है। देखिए, किसी को भी फालिज का अटैक आता है तो याद रखें कि पहली फुर्सत में एलोपैथिक इलाज कराएं। ये यूनानी इलाज पहली फुर्सत वाला नहीं है, ये बहुत तेज दवाइयां नहीं हैं, ये धीरे धीरे काम करती हैं। 24 घंटे के अंदर या उससे भी बहुत पहले, मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में एलोपैथिक इलाज कराएं, डॉक्टर से रुजू करें, और जिसको भी 24 घंटे के अंदर इलाज मिल गया वो उस मरीज का ठीक होना मुमकिन है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर में ठीक होते हैं और उनके साथ यूनानी इलाज आप ले सकते हैं, अपने एलोपैथिक डॉक्टर की दवाओं के साथ यूनानी इलाज भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा इलाज पूरी दुनिया में एलोपैथ में है। ये फालिज का, पैरालिसिस का सबसे अच्छा इलाज अव्वल वक्त में, यानी सबसे पहले आपको एलोपैथिक इलाज करना चाहिए। शैल कुमार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। शैल बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी बताएं। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी फरमाइए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जय। मैंने आपसे बात की थी पहले भी, मेरे फादर के लिए एज जो है वो 78 ईयर्स है और उसको खून में प्रॉब्लम है, मतलब वो खाना वगैरह नहीं खा पाते, खून खुलता नहीं है।
और वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर ने जो है वो थोड़ा कैंसरस बताया था। एंड मतलब बेसिकली उनका ब्लड प्रेशर इतना है कि वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे हैं। तो मैं उनको कुछ चीजें दे रही हूँ जो डॉक्टर साहब ने पहले भी बताई हुई है। तो अभी मैं फिर से जानना चाहती हूँ डिटेल में कि मतलब उनका मुंह थोड़ा सा खुला, क्योंकि मुंह के अंदर ना कुछ ग्रोथ जैसा है छोटा छोटा सा, जो मतलब मुंह नहीं खुलता है तो दिखता भी नहीं कि क्या है, इस वजह से वो खाना नहीं खा पाते बिल्कुल और काफी वीक हो गए हैं। तो क्या करना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा उनका घाव सूखे और कुछ खुल जाए, क्योंकि एज 78 है। आप बहुत अच्छी महिला है जो अपने फादर के बारे में इतनी संजीदगी से परामर्श कर रही हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सबको आपकी तरह अपने बुजुर्गों का ट्रीटमेंट का ख्याल और फिक्र करनी चाहिए। डॉक्टरों की दवाएं तो दें उन्हें, बिल्कुल ना रोकें। और मैंने बताया था कि अलसी को, अलसी आप जानती होंगी, अलसी को ले लें 200-300 ग्राम खरीद के, उसको हल्का सा भून के, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून के पाउडर बना लें और ये शहद में मिला दें, यानी हनी में मिला दें। जितनी अलसी हो उतने ही इतने ही वज़न शहद में मिलाकर इसे रख दें और ये आधा चम्मच या एक चम्मच एक वक्त में खिला सकते हैं और दिन में 2 बार खिला सकते हैं। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून लें और एक चुटकी या 2 चुटकी पानी में मिलाएं। ये अलसी का पेस्ट खिलाकर, ये अलसी का पाउडर पेस्ट बना लें तो उनके लिए आसानी होगी। खिलाकर और नमक जैतून पानी में मिलाकर ये पानी रोज़ाना 1 बार या 2 बार अपने फादर को खिलाया करें। डॉक्टरों की दवा जारी रखें। बलविंदर कौर, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार मैम। एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि मेरे एक रिलेटिव में डिप्रेशन है, मेरे बेटे बेटा ही लगते हैं वो मेरे, तो उनको डिप्रेशन है बहुत ज्यादा। तो उनका एलोपैथिक ने ट्रीटमेंट रहा है, हम चाहते हैं कि जर्मनी में हम आ जाए तो जड़ से जो उसकी प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। डिप्रेशन का कोई अच्छा इलाज बता दीजिए प्लीज, बहुत आपकी मेहरबानी हकीम साहब। देखिए धनिया तो आप जानते ही हैं, हर घर में धनिया या धनिया का पाउडर होता है। तो 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम खशखाश, ये 3 चीज़ें बारीक पीस लें और जिनको डिप्रेशन है उनको ये रात को आधा या एक चम्मच खिला दें और नमक जैतून का पानी, नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर इनको रोज़ाना 1 बार रात को सोते समय खिला दें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। एलोपैथिक दवाई चाहें तो साथ में दे सकते हैं, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, इनको फायदा होना मुमकिन है। जयपुर से चांद नारायण जी, स्वागत है आपका। मेरी मिसेज के बारे में पूछना है। बताइए। मेरी मिसेज के बारे में पूछना है। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, फरमाइए। मेरी मिसेज की उम्र है 81 और उनके जो है बाथरूम लीकेज होता रहता है, एलोपैथिक इलाज करवाया है तो उससे कुछ मिसेज के यूरिन लीकेज होता रहता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने पे उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, पैड बांध दिए। तो कोई आपके है क्या यूनानी में कोई मेडिसिन? कोशिश करके देख लीजिए, मुमकिन है आपको फायदा हो जाए।
अलसी 100 ग्राम, लाजवंती 100 ग्राम और भूसी इसबगोल 100 ग्राम, इसको आप बारीक पीस कर इसकी मटरे के बराबर बराबर गोलियां बना लीजिए और दो गोली सुबह दो गोली शाम इन्हें दिया करें। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मुमकिन है इनको फ़ायदा हो जाए जी।